सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को सिंचन और हिरोशि एक जगह पे बैठे हुए दिखाए जाते हैं और वो दोनों के दोनों हीटर के मजा ले रहे होते हैं। और तभी एकदम से मित्सी आ जाती है और उन सभी लोगों को कहती है कि आप दोनों घर में ना बैठे, मेरे को सफाई करनी है, बाहर जाएं खेलने सिंचन के साथ। और मित्सी एकदम से कुछ अजीब सी लग रही होती है, उसकी आंखें बिल्कुल किसी शैतान के जैसी हो जाती है और वो कहता है हिरोशि मित्सी से कि बाहर बहुत ठंड है। और फिर मित्सी कहती है ज़्यादा मत बोलो वरना मैं आपका मुंह इसी वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दूंगी। और फिर मित्सी उन लोगों को भेज देती है बाहर और साथ ही साथ उनके पास एक काइट भी देती है जो कि सिंचन लेने से मना कर देता है। और फिर मित्सी की आंखों में से कोई अलग तरीके की रेज सिंचन को वो काइट लेने से मजबूर कर देती है और फिर वो दोनों के दोनों बाहर चले जाते हैं उस काइट को लेकर उड़ाने के लिए। और फिर हिरोशि और सिंचन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है और फिर पहली बारी में सिंचन उस काइट को उड़ाता है। बट जब हिरोशि उस काइट को जंप करता है तो हिरोशि को वो काइट बिल्कुल किसी लोहे की तरह लगती है, बहुत भारी लग रही होती है। और फिर सिंचन कहता है चलो मैं उड़ाता हूँ और सिंचन के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो काइट सिंचन की तरफ देख रही होती है और फिर वो ऊपर उड़ जाती है। और जैसी वो काइट सिंचन को घूर रही होती है सिंचन को ये देखता है और सिंचन डर के मारे डैड के ऊपर चढ़ जाता है और उसके डैड को कुछ अजीब सा होने लग जाता है और उसका डैड सिंचन को पकड़ के नदी में फेंक रहा होता है और फिर गलती से उससे जो काइट का जो हैंडल होता है वो छूट जाता है और वो काइट खुद नदी में गिर जाती है। मींस उस काइट ने हिरोशि को पोजेस कर लिया था और वो सिंचन को नदी में फेंकवा रही थी बट उसका खुद का बट्टादार हो जाता है। और उसके बाद जो काइट होती है वो बिल्कुल गिर जाती है और फिर जब वो उसे वापस खींचते हैं तो उन लोगों को दिखता है कि वो काइट बेकार हो चुकी है बट रियलिटी में वो काइट होती ही नहीं है। उस काइट ने कुछ षड्यंत्र रचा और उन सभी लोगों के सामने कोई ऑलरेडी फटी हुई काइट को भेज दिया और फिर वो सभी लोग वापस से स्टोर में चले जाते हैं काइट को लेने के लिए। और वहाँ पे सिंचन की नज़र वैसे ही किसी दूसरी काइट के ऊपर पड़ती है तो सिंचन उसे वहाँ से ले आता है और जैसे ही सिंचन उसे टच करता है तो वो काइट उसे कहती है मेरे को उड़ाओ मेरे को उड़ाओ। और हिरोशि के साथ भी वही सब होने लग जाता है और सिंचन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है ये सब कुछ सुन के और सिंचन उस काइट को लेके काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है जिससे एक चील उस काइट को काट के रख देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। और सिंचन और उसके डैड काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और वो जल्दी से भागते हैं और सिंचन से कहता है वो जल्दी भागो बेटा यहाँ से। और वो घर वापस पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जब वो जैसे ही घर वापस पहुँचते हैं तो फिर उनकी डोरबेल बजती है और वहाँ मित्सी होती है और फिर हिरोशि कहता है अरे मित्सी तुम तो पहले ही आ चुकी थी और वो काइट अजीब सी थी जो तुमने हमें दी। और फिर मित्सी कहती है कौन सी काइट, मैं तो अपनी दोस्त के घर थी।